पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, हमारी सरकार सौदे से गई, मुझे प्रशासन बदलना था। बहुत सारे अधिकारियों में चर्बी चढ़ी हुई थी। मैंने जब किसानों की कर्ज माफ करने की बात कही तब वे तैयार नहीं थे। उस समय मैं भी मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। कमलनाथ गुरुवार को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस नगर एवं ग्राम रक्षा समिति की प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में गांव से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार है। हमारी 15 महीने की सरकार थी, इसमें 3.5 महीने का समय सभा चुनाव आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में कांग्रेस ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कहा, 18 साल बाद शिवराज सिंह को बहने याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं। उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वह झूठ ना बोल लें। शिवराज रोज घोषणाएं करते हैं, मैं उन्हें नाचने गाने और बोलने में नहीं हरा सकता, लेकिन सच्चाई में हरा सकता हूं।